हमारा बोलबाला तो पूरी दुनिया में, हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु, इसीलिए विश्व गुरु है हिंदुस्तान पूरी दुनिया में। अगर विश्व गुरु है तो इसीलिए विश्व गुरु है मेरे भाई। ये हमारा मैनेजमेंट राजेश भी, आप लोगों का जो अद्भुत मैनेजमेंट है, इतना बड़ा कवि सम्मेलन आप जानते हैं मैनेजमेंट का मतलब, बहुत कम पैसे में बड़ा कवि सम्मेलन कर देना ये मैनेजमेंट है। इसमें दो कवि बड़े पेमेंट के ले लिए, बाकी सब तो जैसे कि भैया ये हो रहा। तो आप लोगों को मैं एक बीच में सिर्फ ये कहना चाहता था कि कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा, और तू उस पे नजर रख, जिसने फूक मारी है ना उसका चेहरा जल गया। उज्जैन के बहुत प्यारे लोगों, जरा इन लोगों को, ये हमारे गजेंद्र भैया बहुत प्यारा गीतकार है, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक राम पे इन्होंने बहुत प्यारा गीत लिखा था, वो गीत आपने सुनाया नहीं भाई। गजेंद्र भाई आपका राम पे बहुत प्यारा गीत है, और आप कतई ये ना सुनिए, इस दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में उज्जैन के अंदर अगर कविता नहीं सुनी जाएगी तो दुनिया में कहीं नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि दुनिया में अगर कविता का निर्माण हुआ है तो इस मालवा की धरती से हुआ है। इसी क्षिप्रा मैया के तट पर बैठ करके कभी बाबा कालिदास ने मेघदूत और रघुवंशम का निर्माण, दुनिया की सबसे बड़ी कविता इस उज्जैन के अंदर हुई, इस क्षिप्रा मैया के तट से हुई है। इस दुनिया में जो दुनिया की सबसे बड़ी कविता कभी हमारे बाबा कालिदास ने लिखा, इस मालवा प्रांत को मालव प्रांत, मालवा प्रांत है मालव, माँ जिसमें माँ हिंदी है और लव अंग्रेजी, माँ लव, ये माँ लव सबको करना पड़ता है, और लव से ही सब अपन हुए हैं, इसलिए लव करते हैं। बाकी दुनिया में सारी फोगट की बातें, बस लव में तो बहुत गांव में रहता हूँ, छोटा आदमी हूँ आप जानते हो। अभी 4-6 दिन पहले बम्बई गया, आप लोगों ने यूट्यूब पे सुना ही इतना मेरे को, कब मैं क्या सुनाऊँ आपको। ये अलग बात है कि यूट्यूब होता है और ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। वाह, मैं ओरिजिनल हूँ, आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। आप यूट्यूब पे तो घर घर में भी सुन सकते हो, गाड़ी में सुन सकते हो, बाइक पे सुन सकते हो, घर में बोलने में पड़ा थोड़ा सुन सकते हो। तो वो एक मैडम बैठी हुई थी बाहर, बोले गोदड़ा क्या होता है गोदड़ा, लोगों ने खूब मजे लिए। उसका दिमाग खराब, उसके अंदर से जिज्ञासा जगी कि कुछ ना कुछ तो गोदड़ा होता ही होगा। गोदड़ा, बोले व्हाट इज दिस गोदड़ा। मैंने कहा इस दुनिया में जो भी मैडम आया है गोदड़ा से आया है। बोले क्या ये अवेलेबल हो सकता है। मैंने कहा इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। उसकी और जिज्ञासा जगी, बोले अगर हो सके तो ये। मैंने कहा ये दिनेश जी बड़े व्यक्ति हैं, ये इनसे आप बात करिए, दिनेश जी आपकी व्यवस्था करवाएंगे। अब दिनेश जी महाकाल की धरती का आदमी, झूठ भी नहीं बोलता है। इससे फिर उन्होंने कहा, बोले ये पढ़े लिखे लोग, बोले सर व्हाट इज दिस गोदड़ा। तो फिर दिनेश जी ने बताया, बोले देखिए मैडम ये जो गोदड़ा एक ऐसी वस्तु है कि इस दुनिया में जो भी आता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबको गोदड़े की जरूरत पड़ती है। उसका और दिमाग खराब हो गया, जरूर ये कोई महत्वपूर्ण चीज होगी। तो कई बार कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। अब शंभू भैया वहां जाएंगे, चीजें भले उन्हें समझ में नहीं आए पर ये है, कई सारी चीजें समझ में नहीं आती पर वो होती है। भूल करके भी सुनिएगा के कुछ मेरा जल गया, कुछ तेरा जल गया होगा, और तू उस पे नजर रख, जिसने फूक मारी है ना उसका चेहरा जल गया होगा। छोटे छोटे गांव जल गए, छोटे छोटे गांव जल गए, गांव इतने छोटे नहीं है। बहुत सारे का दिमाग खराब हो गया, एक बोले इतने छोटे गांव। मैंने कहा ये पैमाना है, 1 सेंटीमीटर मतलब आधा किलोमीटर, तो इस हिसाब से वो 2-3 किलोमीटर का गांव था। देखो जिसकी मस्ती मर गई ना उसकी हस्ती मर गई। शेक्सपियर को आप जानते हैं जी? ना जानते तो भी आप हाँ करो, उससे अपना स्टेटस मेंटेन होता है। शेक्सपियर कहता है जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि वो जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। तो मेरा मकसद है हंसाना, हंसाना जरूरी है। आप नहीं हंसेंगे तो भी हंसो। बात ही ऐसी हो रही है तो मैं ये कह रहा था कि छोटे छोटे गांव चल गए, 2-4 लाइन है, कविता बहुत बड़ी है, परंतु मैं आपके बीच में श्रद्धे पवार जी ने कहा था मैं सुना देता हूँ। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं उनके चरणों में 4 पंक्ति रख रहा हूँ, अपन 4 पंक्ति रखे और ये पाँव पे दबा दे उसको, मेरी पंक्ति का तो दम घुट जाए ना। तो मैं ऐसा नहीं करता, इन्होंने मोजे नहीं बदले। अब पंक्ति को बिचारी को कितनी बदबू आएगी। एक बात बताया, मैं जाने दे रहा कि आपके बीच में जरा एक बड़ा सदर दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई
ये हरियाणा के पास में एक जगह है, वहाँ की ये घटना है, नूह में दंगे हुए तो बहुत सारे लोग मर मुरा गए, उसमें आग जनी हुई। तो ये आग लगी साहब, शहर में आग लगी। अब आग लगी, अखबार वालों ने, पत्रकार लोगों ने, चैनल वालों ने, सब ने अपने अपने ढंग से जो बात कही, तो दो चार लाइन मैंने भी कहने की कोशिश करी। कहने में बहुत सारी लाइन थी, लंबी कविता थी, चार छः लाइन सुनी। एक सवाल खड़ा करके मैं उज्जैन में जा रहा हूँ। सवाल मेरा ये है सर कि हम सुबह में जब उठते हैं तो भस्म आरती होती है। हम चाहे जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे जो भी हैं, हम इतने धार्मिक हैं, हम धर्म को इतना मानते हैं कि सूर्य अस्त के बाद वृक्ष को छूते भी नहीं है कि झाड़ सो गए हैं। हम नदी के पानी को नहीं छूते हैं, रामघाट पे बोले नदी में हाथ मत लगाओ, माँ सो गई है। जहाँ नदी सो जाती है, पानी सो जाता है, जहाँ वृक्ष सो जाते हैं, हम इतने धार्मिक लोग हैं, हम इतने उदारवादी लोग हैं। इसी देश के अंदर मेरा छोटा भाई, हमारे चाचा जान, हमारा मुसलमान भाई इतना धार्मिक है कि जब भगवान भास्कर दस्तक देता है उस वक्त वो फजर की नमाज के लिए जाता है। फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा, पाँचों वक्त की नमाज के लिए जब मोमिन जाता है तो इस्लाम कहता है कि मोमिनो तुम वजू करते हो, वजू करते वक्त अगर दो बूंद पानी भी जमीन पे गिराते हो तो इस्लाम की नजर में गुनेगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है, क्या वो खून बहाने की अनुमति देता होगा? मेरे भाई, इस देश के अंदर ये सवाल उठ रहा है। इस देश का मुसलमान इतना अच्छा, इस देश का जैन इतना अच्छा, यहाँ का बौद्ध इतना अच्छा, हिंदू इतना अच्छा, तो प्रश्न यह खड़ा होता है मेरे भाई कि आप भी बहुत अच्छे हैं। प्रश्न यह खड़ा हो रहा, कौन सा खड़ा हो रहा, जो मैं भी करूंगा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। प्रश्न तो खड़ा करना पड़ेगा ना कि आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर ये बताओ ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? जब हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, तो फिर ये आग लगाने वाले किसके बच्चे हैं? और आग लगी तो छोटे छोटे गांव जल गए, कुटुंब कबीलों के पांव जल गए, मेरा दायां हाथ जल गया, तेरा बायां हाथ जल गया, और मुआवजा किससे मांगे यार, दोनों का ही मेवात जल गया। तेरे घर के अंदर शायद आग लगी, वो वायर जल गए होंगे, बाहर रखे चार छः टायर जल गए होंगे, बरामदे में भाभी की साड़ी जल गई, बाहर रखी आंगन में गाड़ी जल गई, मुझे बड़ा दुख हुआ, तेरे बकरी के दो बच्चे जल गए। एक लाइन से मुझे विदा करना। मुझे बड़ा दुख हुआ, घर के अंदर वायर जल गए, बाहर रखे कुछ टायर जल गए, बरामदे में गाड़ी जल गई, भाभी की छत पे साड़ी जल गई, बच्चों के कच्छे जल गए, मुझे बड़ा दुख हुआ, तेरी बकरी के दो बच्चे जल गए, पर मुझसे मत पूछ यार, मेरी तो रकम तगड़ी जल गई। उज्जैन के प्यारे लोगों, एक लाइन है पकड़ लेना के मुझे बड़ा दुख हुआ कि तेरी बकरी के दो बच्चे जल गए, पर मुझसे मत पूछ यार, मेरी तो रकम तगड़ी जल गई है, कुछ गिरे हुए लोगों के सामने मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई है। आपकी तालियां और बढ़ाना। मुझसे मत पूछ यार, देश के बड़े गीतकार विष्णु भैया और दो लोग बड़े बैठे हुए हैं, मुझसे मत पूछ यार, मेरी रकम तगड़ी जल गई है, मेरे बाबूजी की, कुछ गिरे हुए लोगों के सामने मेरे बाबूजी की पगड़ी जल गई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि तेरा क्या खास जल गया। अरे यार, ऊपर से नीचे तक घर के आंगन में पूरा के पूरा अमलतास जल गया। कि तेरा क्या खास जल गया, वो आंगन में लगा पूरा के पूरा अमल ताज जल गया। दादी माँ की एक निशानी थी कोने में, एक निशानी थी दादी माँ के हाथ की, पत्ती पत्ती झुलस गई उस पारिजात की। एक एक डॉक्टर साहब, आपके चरणों में रखी देता हूँ, भले आप कुछ भी करना। डॉक्टर साहब का इंप्रेशन इतना खतरनाक दिखा मेरे को, इन्होंने देखा यूं करके यूं, तो मैंने कहा रखी दो आप। तो भावुक हो गया, भावुक हो गया, फाउल भावुक हो गया, भावुक हो गया। हाँ, फाउल तो मैं कभी करता ही नहीं यार, भावुक हो गया। बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है। उज्जैन के पत्रकार लोगों, बुझ ही नहीं सकती ये आग, मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। वाह,